हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस में GTA 3 को किस तरह से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करके उसको बड़े ही सिंपल तरीके से इंस्टॉल करके किस तरह से उसको प्ले कर सकते हैं। तो ये वीडियो को आखिर तक देखते रहें। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने एंड्रॉयड पीसी गेम्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके इस बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि हर आने वाली नई गेम को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। GTA 3 को डाउनलोड करने के लिए मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी डाउनलोड लिंक ये वाली आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपको उस पर क्लिक करना है और आपने अपने कोई भी वेब ब्राउज़र में इसको ओपन कर लेना। तो यहाँ पर मैं इसको क्रोम में ओपन कर लेता हूँ। तो इस तरह से इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर नीचे आकर आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगी। तो सबसे पहले आपने इसकी APK फाइल को डाउनलोड करना है। इस पर आप क्लिक कर दें और यहाँ पे आपने 5 सेकंड वेट करना है, उसके बाद ये डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। यहाँ पे मैं ओके पे बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसकी जो APK फाइल है वो डाउनलोड होना शुरू हो चुकी है। तो ये डाउनलोड कंप्लीट हो चुकी है और उसके बाद जो आपने दूसरी फाइल करनी है वो है इसकी OBB फाइल। आपने ये थर्ड वाली ऑप्शन पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। इसका तकरीबन फाइल साइज़ 578 MB की ये फाइल साइज़ है। तो आप ये दोस्तों देख सकते हैं कि इसकी भी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो इन दोनों फाइल्स को मैंने पहले ही डाउनलोड करके सेव कर लिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो सिंपल आपने क्या करना है। तो उसके बाद दोस्तों, इस फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आपने प्ले स्टोर ओपन करना और यहाँ पर सर्च बार पर आपने ZRCyber एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। तो ये मैंने पहले से डाउनलोड की हुई थी। उसके बाद आपने क्या करना है, जहाँ पर आपने ये दोनों फाइल सेव किए हैं उधर आपने उस लोकेशन को ओपन कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने इसकी APK फाइल को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करके नेक्स्ट इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये APK हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। तो इसको आपने ओपन नहीं करना, इसको डन के बटन पर क्लिक कर दें और उसके बाद जो इसकी दूसरी फाइल है उस पर आप क्लिक कर दें। तो ये खुद ब खुद उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेगा और यहाँ पर आप एक फोल्डर, दो फाइल्स आपके सामने आ जाएंगी। इसकी रॉकस्टार वाली फाइल है, उसको आपने क्या करना है, कॉपी कर लेना है और यहाँ पे डिवाइस मेमोरी के ऑप्शन पे क्लिक करके एंड्रॉयड के फोल्डर में और यहाँ OBB के फोल्डर में जाके इसको पेस्ट कर देना है। तो ये हमारा सिर्फ इतना सा काम था। इसके बाद आप अपनी जो गेम है GTA 3 को वो बड़ी इजीली प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये जो फाइल है हमारी वो एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अब आपको और कुछ नहीं करना, हो सिंपल वो जो APK इंस्टॉल की थी उसको आपने ओपन कर लेना है। तो मैं इसके अपने एंड्रॉयड डिवाइस के डेस्कटॉप पर जाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप ये फाइल देख सकते हैं GTA 3 की जो है वो हमारे पास आ चुकी है। तो मैं इसको सिंपल ओपन कर लेता हूँ और ये मेरी जो गेम है वो शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने इसके जो लाइसेंस है उसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि ये गेम जो है हमारी वो स्टार्ट हो चुकी है। मैं यहाँ स्टार्ट गेम पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप ऑप्शंस वगैरह दूसरे भी देख सकते हैं, डिलीट गेम, लोड गेम। तो मैं न्यू गेम के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये गेम रन हो चुकी है हमारे पास बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से। ये गेम हमारी डिवाइस में चल रही है। तो इस तरह से आप ये स्टेप फॉलो करने, सबसे पहले आपने वेबसाइट से APK को डाउनलोड करना है और उसकी OBB फाइल को डाउनलोड करना है। फिर उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपने प्ले स्टोर से ZRCyber को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना और उससे इसकी फाइल एक्सट्रैक्ट करके OBB के फोल्डर में आपने सिंपल पेस्ट कर देनी है। तो इस तरह से आपने ये स्टेप फॉलो करके आप इसको गेम को इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने GTA San Andreas और GTA Vice City की भी वीडियो बनाई है। अगर आप वो भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वो चैनल आपको वीडियो मिल जाएगी। तो मिलते हैं कल इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।